Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, आज हमारा जो previous lecture था उसी को continue करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं pollination with the help of biotic agents. इसके पहले हमारे एक water वाला बाकी है, तो next lecture में हम water वाला भी complete करेंगे. पहले हम देख लेते हैं हमारा pollination with the help of biotic agents. तो बायोटिक एजेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास में हमारे सिलेबस के हिसाब से तीन ही पढ़ना है. वैसे हमने कितने पढ़े? टोटल सेवन. तो टोटल सेवन में हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहला हमने पढ़े थे वीना. वीना में विंड एनेमोफिल. दूसरा था वॉटर. वॉटर में वॉट जो हमारा वीना वाट, तो WAT वॉटर और हाइड्रोफिल. वीना वॉट आइसक्रीम. आइस में आई से इंसेक्ट, ई से एंटोमोफिली. तो ऐसे हमने पूरा पढ़े थे. तो हमारा जो फर्स्ट पढ़ना है हमको बायोटिक एजेंट में, तो बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास में पढ़ना है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. कोई कोई अगर स्टूडेंट नया होगा तो मैं वीना वाट आई ये सब वर्ड यूज कर रहा था, आप बोलोगे सर वर्ड कहाँ से है? तो ये वर्ड के लिए मैंने अपना इसका जो पहला लेक्चर है पॉलिनेशन की ट्रिक्स, वो ट्रिक्स में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है. तो लिंक में आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप कॉपी कीजिए और उसके हिसाब से पूरा पॉलिनेटिंग एजेंट्स को लर्न करने की ट्रिक वहां से सीखिए. तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली एंड द फ्लावर इज नोन एज एंटोमोफिलस फ्लावर्स. तो इसमें एग्जाम्पल आपको दो याद रखना है, मेजर रोज और जैस्मिन. ये दोनों क्या करते हैं? एनिमोफिली. मीन्स हमको पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ क्या पढ़ना है? बायोटिक एजेंट्स. तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली. इसी के लिए हमारे पास में हमको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन कैसा आता है? इसके पहले लेक्चर बता चुका हूं मैं. क्वेश्चन कैसा आता है? डिफाइन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स 4-6 एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन में हमारे पास में हम एडेप्टेशन देखते फटाफट. एडेप्टेशन जो है ना बहुत ईजी रहेगा यहाँ के. ये लिविंग है, सेल्फिश है. इसको क्या लगेगा? नेक्टर लगेगा. इसको क्या लगेगा? फ्रेग्रेंस लगेगा. इसको क्या लगेगा? कलर लगेगा. ये तीन चीज आपको याद आ गई. तो ये सब इसके एडवांटेजेस है. मींस ये पे याद हो रहा है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, ये सेल्फिश है क्योंकि इंसेक्ट है. तो इंसेक्ट के बारे में याद रखेंगे. पहला आपको फ्लावर कैसा चाहिए हमारे पास में? लार्ज चाहिए. थोड़ा बड़ा दिखने को ना दिख ही नहीं रहा, छोटा सा है. इंसेक्ट आएगा अंदर से क्रॉस हो जाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ा है फ्लावर का. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फ्लावर थोड़ा सा कैसा? लार्ज रहना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड, थोड़ा कलरफुल भी रहना चाहिए. एकदम नहीं, पूरा डार्क एकदम डर जाए हमारे को देख के. एकदम भी डार्क नहीं, थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए. तो ब्राइटली कलर्ड, देन स्वीट ऑर्डर रहना चाहिए. ऑर्डर उसका जो है, जो उसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक जो रहना चाहिए, जो उसका स्वीट ऑर्डर एकदम थोड़ा सा नहीं तो एकदम अलग रहा, तो उसके हिसाब से भी वो पॉलिनेशन को इफेक्ट करेगा उसका. नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए उसमें, ये तो काम का ही है. ये तीन चीजें हमने पहले देखी थी. देन स्टिग्मा जो है हमारे पास में, थोड़ा काम का पॉइंट फिर से, स्टिग्मा रफ रहना चाहिए. स्टिग्मा रफ क्यों रहना चाहिए? उसके बहुत जबरदस्त रीजन है हमारे पास में. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स और स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलिजेनस सिक्रीशन. तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे नेक्टर है, जो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण स्टिग्मा जो है कैसा रहता है? स्टिकी रहने के कारण ऐसा नहीं रहना चाहिए. इंसेक्ट क्या है, क्या हो जाएगा आपे? चिपकना जाए. तो जिसके कारण इंसेक्ट का भी काम हो, फ्लावर का भी काम हो, तो वहां पे क्या रहना चाहिए आपके पास में? स्टिग्मा रफ रहना चाहिए. अगर वो एकदम सॉफ्ट रहा तो वहीं पे क्या आ जाएगा, जो हमारा इंसेक्ट है कैप्चर हो जाएगा, वही उसकी डेथ हो जाएगी. इसलिए वो क्या रहना चाहिए? थोड़ा रफ रहना चाहिए. तो म्यूसिलिन जो सिक्रीशन है, म्यूसिलिनस सिक्रीशन के कारण वो अंदर में चले जाए स्टिग्मा के अंदर, तो वो रफ रहेगा. तो रफ रहने के कारण क्या हो सकता है? वैसे मूव हो सकता है. देन पोलन ग्रेन्स की अगर बात कर रहा हूँ, तो पोलन ग्रेन स्पाइनी रहना चाहिए. पोलन ग्रेन स्पाइनी, फिर से स्पाइनी क्यों रहना चाहिए? स्पाइनी रहेगा तभी तो जाके वो प्रॉपर वे से कहा जाता है बराबर स्टिग्मा के अंदर में, क्योंकि उसके पास में फिर से सिक्रीशन. अगर वो नोकीला नहीं रहा तो वहीं के वहीं भी फ्यूज हो जाएगा. अगर वो नोकीला, स्पाइनी मीन्स नोकीला. ये हमने वर्ड स्पाइनी, स्पाइनी कहाँ पढ़े? इकाइनोडर्मेटा, ये पढ़े हैं वर्ड हमने, याद रखो थोड़ा सा अच्छे से. हाँ, तो ये हमने बता दी स्पाइनी रहना चाहिए. येलो स्टिकी सब्सटेंस, पोलन ग्रेन्स येलो कलर का रहता है, वो स्टिकी सब्सटेंस बाहर से सराउंडेड रहता है, उसको बोला जाता है पोलन किट. उसको बोला जाता है पोलन किट. देन क्रॉस पॉलिनेशन जो है ना, अब हमने बता दिया, हमको तो वैसे पता है कि ये कौन सा पॉलिनेशन है. वैसे पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स, इसमें सेल भी हो सकता है क्रॉस भी, लेकिन इंसेक्ट के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट लेना पड़ेगा, उनके बीच में मीन्स सबको इंसेक्ट लाना पड़ेगा. तो जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं
उसको बोला जाता है इंसेक्ट की स्टडी, साथ में पॉलिनेशन की प्रोसेस, इंसेक्ट और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस कराते हैं, जैसे कि अगर मेरे को किसी इंसेक्ट के थ्रू मेरे को क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, तो मेरे को इंसेक्ट की भी स्टडी होना चाहिए, पॉलिनेशन की भी स्टडी रहना चाहिए कि वो इंसेक्ट कौन से फ्लावर पे आएगा, पता पड़ा वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, मेरे को पॉलिनेशन किसी और में कराना था, ये सब मेरे को क्या करना है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ऐसे वाले एजेंट्स जो मतलब जो हेल्पफुल रहते हैं लोग पीपल्स, उसके लिए आपको याद रखनी है, उसको बोला जाता है पॉलिनेशन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है उसको? पॉलिनेशन सिंड्रोम। अभी मैं इतने सारे वर्ड कहाँ से लाए, सब आपके नीचे बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर जो 6 और 7 में आप पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, वहाँ पे जो बॉक्स लिखा है ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर में लिखा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट विजिटर्स की नीड रहती है। इंसेक्ट विजिटर्स मीन्स क्या? ये इंसेक्ट चल रहा है, अरे ये यही फ्लावर में जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता रहता उसको, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, आउट क्रॉसिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब कर सकता है। आपको एक और पॉइंट याद रखना है, एग्जाम्पल मैं आपको वहां पे दिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन सेल्वियम। अब ये क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त दिया है आपके सिलेबस में, वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ नाम लिया हुआ है, एनसीईआरटी सिलेबस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिवर मैकेनिज्म, लिवर मैकेनिज्म इन सेल्विया डिनोरियम, साइंटिफिक नेम है उसका सेल्विया डिनोरियम, ये इंसेक्ट के थ्रू जो एंडोमोफिली होता है इसके लिए बहुत काम करता है। तो ये हम स्टेट में नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आपके जब मैं लेक्चर बना लूंगा तो लेक्चर में आपका टॉपिक में डायरेक्ट डालूंगा लेवर मैकेनिज्म इन सेल्विया, ऐसा आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा आपको बता दूंगा कि मैंने वीडियो बनाया है क्या, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो बहुत जबरदस्त है, इतना मजा आता है पढ़ने के लिए उसको कि बस मजा आए। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब मैं बता दूंगा आपको हिंट मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में कि मैंने आपको ये डाल दिया है लेक्चर यूट्यूब पे। तो देन हमारे पास में हमको पता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट, पहला हमने कौन सा पढ़ लिया इंसेक्ट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ड के लिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा फिर से इंसेक्ट वाला, फटाफट देखते चलो। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिल, ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर। अब पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट हो रहा है तो उसके एडाप्टेशन में पहला मेरे को पता है एडाप्टेशन क्या रहना चाहिए, फ्लावर लार्ज रहना चाहिए, साथ में ब्राइटली कलर रहना चाहिए, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट स्वीट ऑर्डर और साथ में नेक्टर, ये चार चीज आपको याद रहेंगी। देन हमको याद रखना है स्टिग्मा जो है थोड़ा रफ रहना चाहिए, रफ क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उसके उसमें म्यूसिलेज सिक्रीशन रहती है स्टिकी वाली, तो जिसके कारण इंसेक्ट वहां पर ट्रैप हो जाए। देन उसको जो नेक्स्ट वाला भी पॉलिनेशन करना है, देन हमको पता है पोलन ग्रीन्स ये कैसा रहना चाहिए, स्पाइनी, और स्पाइनी पोलन ग्रीन्स क्यों रहते हैं, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी है तो वहीं पे फ्यूज न हो जाए, तो ये सब उसके अफेक्ट कर सकते हैं पॉलिनेशन को पॉइंट्स। तो देन हमको याद रखना है पोलन ग्रीन्स स्टिकी रहता है और सराउंडेड रहता है येलो कलर के सराउंडेड स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर से उसको बोला गया पोलन किट। देन हमने एक अलग सा पॉइंट पढ़े कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है इसमें, लेकिन हमको पता है उसके लिए क्या लगते हैं इंसेक्ट विजिटर्स, तो उसके लिए एक वर्ड है पॉलिनेटिंग सिंड्रोम्स, तो ये सब हमारे पास में थे। और पॉलिनेटिंग सिंड्रोम में सबसे अच्छा वाला मैकेनिज्म है कौन सा, लेवर मैकेनिज्म इन सेल्विया डिनोरियम, तो ये हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। देन हमारे पास में नेक्स्ट देखते गाइस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड, देखो गाइस फटाफट, हाँ गाइस तो देखिए पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड मींस क्या, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्नेथोफिली। वर्ड कैसे आया, बायो, बायो हमने बताया था बायो बैच, तो बायो बैच का लेक्चर बंद करके गए थे, तो यहीं पे बायो में क्या है, बी आई मीन्स क्या बर्ड और ओ मीन्स क्या ऑर्नेथोफिली, तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्नेथोफिली, एंड द एजेंट विच परफॉर्म ऑर्नेथोफिली इज नोन एज ऑर्नेथोफिलस एजेंट्स एंड द फ्लावर इज नोन एज ऑर्नेथोफिलस फ्लावर्स, ये सब वर्ड आपको बनाकर रहना चाहिए। बैच बी आई टी बी ए टी मीन्स क्या बैट सी एच चिरोप्टेरोफिली, तो वो थर्ड टॉपिक है वो भी देखते हैं, पहले पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड दैट इज ऑर्नेथोफिली। अब फिर से हमको पता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ जब बर्ड होता है तो उसके लिए आप याद रखेंगे कौन से बर्ड यूजफुल रहते हैं और कौन से फ्लावर यूज, कौन से प्लांट यूज होते हैं ये प्रोसेस के लिए। तो पहला बर्ड की अगर बात करो तो सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये दोनों बर्ड यूजफुल रहते हैं ऑर्नेथोफिली कराने के लिए, और फ्लावर जो हमारे पास में बॉम्बेक्स और बुटेनी, तो जो हमारे पास में बुटिया एंड बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स बर्ड कहीं तो सुना है, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी कौन सा सिल्क वर्म, तो ये जो फ्लावर रहता है उसके लिए हेल्पफुल है क्या ऑर्नेथोफिली, क्योंकि वहां पे बर्ड यूजफुल रहता है। देन एडाप्टेशन देख लेते हैं, अब बर्ड है फिर से उसके बाद में कुछ कुछ चीजें लगेंगी, तो बर्ड के लिए ब्राइटली कलर, जो कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रेड
ब्लू और वॉलेट जो कलर रहते हैं अट्रैक्ट करते इजीली, तो इसके लिए आप करके ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, लाइव एनर्जी फ्लावर, थोड़ा सा नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। बर्ड को नेक्टर लगता है और वो भी शुगरी, शुगरी मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला। देन पोलन ग्रेन स्टिकी रहना चाहिए और साथ में स्पाइनी रहना चाहिए और विदाउट फ्रेग्रेंस। अब ये वर्ड नहीं समझा हमको, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विदाउट फ्रेग्रेंस। बर्ड के पास में पुअर सेंस ऑफ स्मेल रहता है, ये वर्ड याद रखेंगे। विदाउट फ्रेग्रेंस, जब कोई भी आपका पेपर चेक करेगा सबसे पहला पॉइंट ये लिखेगा, बर्ड है हमको लगता है लिविंग है उसको फ्रेग्रेंस लग रहा होगा, नहीं इसको फ्रेग्रेंस नहीं लगता, विदाउट फ्रेग्रेंस। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। फटाफट देखते चलो, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड में क्या था, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्नेथोफिली। प्लांट को क्या बोला, ऑर्नेथोफिलस प्लांट, एजेंट रहता ऑर्नेथोफिलस एजेंट और फ्लावर रहता ऑर्नेथोफिलस फ्लावर। देन हमको पता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में फ्लावर के पास में कलर रहना चाहिए ब्राइटली, मैक्सिमम रेड ब्लू वॉलेट इजी अटेंशन अट्रैक्शन के लिए। देन कलर के बाद में लार्ज रहना चाहिए फ्लावर, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए, अच्छा नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी। देन फ्रेग्रेंस नहीं रहना चाहिए, फ्रेग्रेंस क्यों नहीं, क्योंकि बर्ड में पुअर सेंस ऑफ स्मेल है। देन हमारे पास में थर्ड हमारे पास में एजेंट है जो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट, तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट इज नोन एज शिरोप्टेरोफिली। फ्लावर रहता है शिरोप्टेरस फ्लावर एंड एजेंट रहता है शिरोप्टेरस एजेंट्स। तो इसमें हमारे पास में आप बहुत काम की चीज याद रखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, किलोमीटर तक के बैट जो है किलोमीटर तक के पोलन ग्रेन्स को लेके जा सकता है, तो आपको याद रहना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर बोला गया है इसमें याद रखेंगे आप क्या, बैट। इसके बाद में एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन आप याद रखेंगे, फ्लावर का डल कलर है चल जाएगा लेकिन फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए, फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए, कलर डल रहा चल जाएगा। देन फ्रेग्रेंस अच्छा रहना चाहिए, यहाँ पे फ्रेग्रेंस नहीं था वहां पे फ्रेग्रेंस है, यहाँ पे हमारे पास में ब्राइट कलर था यहाँ पे डल कलर का अपोजिट चल रहा थोड़ा सा, यहाँ पे अबंडेंट नेक्टर रहना चाहिए, नेक्टर दोनों तरफ है, नेक्टर दोनों चल रहा रहना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बहुत सारे रहना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जब कैरी करते कैरी होना चाहिए, गिर जाएंगे कुछ कुछ उनके इजीली ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी कंडीशन था आपका लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ स्टेमेन भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे दो, एडेंसोनिया एंड कैजेला, ठीक है ये दोनों आप याद रखेंगे एग्जाम्पल दोनों में। देन फिफ्थ पॉइंट है फ्लावर कैसे नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मींस क्या, नॉक्टर्नल मींस जो ओपन कब हो नाइट के समय में, और बैट ज्यादा एक्टिव कब रहते हैं नाइट के समय में। ये पॉइंट फिर से काम का है, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत काम का है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत काम का है, विदाउट नेक्टर बर्ड में और यहाँ पे आपने बता दिया फ्लावर नॉक्टर्नल होना चाहिए। ये पॉइंट आपके बुक में नहीं दिया लेकिन आपको याद रखना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देन सिग्मा कैसा रहना चाहिए, स्टिकी, सिग्मा कैसा रहना चाहिए, स्टिकी स्टिकी सिग्मी। देन हमारे पास में यहाँ तक क्या हमारा है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट। तो गाइस ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत काम का है, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखो, दो मार्क के क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करके रखो। देन हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो एक लेवर मैकेनिज्म बाकी है, तो ये आपको छोटा सा जो मैकेनिज्म है वो भी बन जाएगा, यूट्यूब पे लेक्चर बना दूंगा मैं आपका ये सेशन। गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है या थोड़ा सा क्लियर पॉइंट नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो इसके लिए आप फ्रीली मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी तक के किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा आपको यूट्यूब पे या मेरे को कॉल करो गाइस, लेकिन हम कैसा आपको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पूरा क्लियर कट बैठे हैं, तो जिसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, आप बिल्कुल मेरे को फ्री होकर कॉल करो, आप जब भी इवनिंग टाइम मोस्ट प्रोबेबल कॉल कर सकते हैं। आप दोनों नंबर आपके दिए हुए हैं, 70 वाला नंबर भी 8600 वाला नंबर है, दोनों नंबर पे कोई व्हाट्सअप करना है, कुछ डायग्राम नहीं समझे कुछ, तो आप वो भी मेरे को पिनअप करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। देन हम गाइस इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो गाइस आप ये लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और आपको पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम गाइस, तो आप फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो वीरेंद्र सर बायोलॉजी, ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।